नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम केंद्र त्रिकोण राजयोग के विषय में बात करने वाले हैं, यानी कुंडली में जो केंद्र का और त्रिकोण भाव के स्वामियों का आपस में संबंध होता है वह जीवन में किस प्रकार का रिजल्ट लेकर आता है इसे हम समझेंगे। और इसके अलावा केंद्र त्रिकोण भाव के स्वामियों का जब भी संबंध होता है तो इससे संबंधित जो शंका समाधान है उन पर भी आज हम विचार करने वाले हैं। कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग अच्छा माना जाता है, यानी शुभ फलदायक माना जाता है ये, और इससे हमें शुभ फलों की प्राप्ति अधिक होती है। आइए विषय को समझने का प्रयास करते हैं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए शुरू करते हैं। विषय को समझने के पहले आधारभूत जानकारियाँ होना अति आवश्यक है। मित्रों ध्यान रखें, आपको लग्न कुंडली लेना है, ठीक है। तो इसमें जो केंद्र लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और दसवां घर, ये केंद्र के घर कहलाते हैं। और ज्योतिष शास्त्रों के अंदर केंद्र के घरों को विष्णु के घर के नाम से जाना जाता है, यानी विष्णु भगवान के घर ये माने जाते हैं, यानी शुभ माने जाते हैं। कुंडली के अंदर इनके भाव के जो स्वामी होते हैं वह शुभ माने जाते हैं। इसके अलावा त्रिकोण भाव यानी पंचम और नवम ये लक्ष्मी स्थान माने गए हैं, ठीक है। हालांकि पहला घर केंद्र का जो फर्स्ट वाला हाउस रहता है ये केंद्र और त्रिकोण दोनों में आता है, ठीक है। तो इनका जब भी आपस में संबंध होगा तो वह अच्छा रिजल्ट लेकर आता है। अब कितना अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा, एकदम अच्छा रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मध्यम फल मिलेगा या कम फल मिलेगा, इसके विषय में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। आइए आज के पहले सूत्र को समझते हैं। कुंडली में जब कभी भी नवे भाव का स्वामी और दसवें भाव का स्वामी, नवे भाव का स्वामी और दसवें भाव के स्वामी आपस में युति बनाकर बैठते हैं। युति कहाँ होना चाहिए, लेकिन केंद्र में हो, यानी केंद्र के घरों में या फिर त्रिकोण भाव में, तो ये राजयोग का निर्माण करते हैं। अब जब भी इन दोनों ग्रहों की दशा अथवा अंतरदशा आएगी तब आपको इनसे संबंधित अच्छे फल देखने को मिलेंगे। मान लीजिए नवम भाव और दसम भाव की आपस में युति हो रही है तो नवे भाव से हम किस बात का विचार करते हैं, भाग्य का विचार करते हैं, धर्म का विचार करते हैं, उच्च शिक्षा का विचार करते हैं, और दसवें भाव से हम कार्य क्षेत्र का विचार करते हैं, ठीक है। तो इनसे संबंधित चीज़ों में आपको लाभ देखने को मिलेगा। अब लेकिन अब सवाल उठता है कि मान लीजिए कि इन दोनों में से एक कोई ग्रह नीच का हो जाए, ठीक है, तब क्या होगा, तो इसके विषय में अभी हम आगे जानने का प्रयास करेंगे। यदि कोई ग्रह उच्च का हो जाए तब क्या होगा, पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तब क्या होगा, इसे अभी आगे हम समझने वाले हैं। आइए आज के दूसरे सूत्र पर विचार करते हैं। मित्रों कुंडली में जब कभी भी लग्न भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी का आपस में युति हो, केंद्र में हो या फिर नवम पंचम में हो, तो ये युति राजयोग का निर्माण करती है, ठीक है। और इसके अच्छे रिजल्ट इनकी महादशा अथवा अंतरदशा में आपको देखने को मिलेंगे। अब मान लीजिए ये युति किसी बुरे स्थान में हो जाए, यानी 6, 8, 12 में अगर मान लीजिए युति हो जाए तब क्या होगा, तो मित्रों ध्यान रखें ऐसी स्थिति में आपको मध्यम फल देखने को मिलेंगे, ठीक है, मध्यम फल देखने को मिलेंगे। लेकिन मान लीजिए यदि लग्न भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी की युति यदि लाभ भाव में हो जाए, द्वितीय भाव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लाभ भाव में हो जाए तब क्या होगा, तब इसके आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे, ज़्यादा बुरे रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे, यानी कह सकते हैं कि केंद्र और त्रिकोण में जो लाभ मिलने वाला था उससे थोड़े कम लाभ भाव में आपको ये फायदा देगा। ठीक उसी प्रकार यदि चतुर्थ भाव के स्वामी और साथ साथ आपके नवम भाव के स्वामी कि आपस में कहीं पर युति हो जाए लग्न में त्रिकोण में, तो आपको इनकी महादशा अथवा अंतरदशा में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मित्रों ध्यान रखेंगे ये युति केंद्र त्रिकोण राजयोग सिद्धांत के अनुसार बताई जा रही है। बेनिफिट्स आपको तभी ज़्यादा मिलता है कि जब दोनों ग्रह अंश बल में मजबूत हों, पहली बात, उच्च ग्रही स्वग्रही या मित्र ग्रही हों, दूसरी बात। इसके अलावा आपको ये भी देखना होगा कोई ग्रह जो है नीच का तो नहीं हो रहा है, अगर नीच का हो रहा है तो फिर उसके फल में कमी आ जाती है, ठीक। अगर कोई ग्रह मान लीजिए पाप ग्रहों से दृष्टियुत हो जाए तब भी इनके फलों में कमी आ जाती है, तो इन बातों पर भी विचार आपको करना होगा। मान लीजिए कि मित्र राशि, उच्च राशि, स्वराशि में जब भी इन ग्रहों की युति होगी और ये तो श्रेष्ठ रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब मान लीजिए कोई ग्रह नीच का हो जाए, कोई ग्रह बकरी हो जाए, या शुभ रिजल्ट में कमी आ जाती है। अब फायदे किस प्रकार के होंगे, मान लीजिए अब इसी की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर चतुर्थ भाव का स्वामी किस चीज़ का कारक है, यहाँ पर भूमि भवन वाहन का सुख, ठीक है। और नवम भाव का स्वामी इससे बात करें आप तो ये भाग्य भाव, धर्म भाव, उच्च शिक्षा का भाव है, पिता का भाव है, तो इनसे संबंधित कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होती है जब इन ग्रहों की दशा अथवा अंतरदशा आती है। अगले सूत्र पर विचार करते हैं। मान लीजिए कुंडली में यदि लग्न भाव के स्वामी
और पंचम भाव के स्वामी का आपस में संबंध हो जाए, किसी केंद्र में हो या फिर त्रिकोण में हो। ठीक है, तो ये केंद्र त्रिकोण संबंध एक राजयोग का निर्माण करता है कुंडली के अंदर। ठीक है, जब भी लग्न भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी की आपस में युति होगी, केंद्र में होगी या त्रिकोण में होगी, तब आपको इसका श्रेष्ठ रिजल्ट देखने को मिलेगा। जब कभी भी इन ग्रहों की दशा अथवा अंतरदशा आएगी तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे लग्न भाव से संबंधित और साथ साथ पंचम भाव से संबंधित। अब विचार कर लेते हैं, मान लीजिए देखिए पंचम भाव से हम शिक्षा का विचार करते हैं, संतान का विचार करते हैं आप यहाँ से, ठीक है, इष्ट का विचार भी आप यहीं से करते हैं और चीज़ों का विचार भी आप पंचम भाव से यहाँ से किया जाता है। लग्न व्यक्ति यानी आप स्वयं हैं यहाँ पर, तो जब भी लग्नेश की युति यानी लग्न भाव के स्वामी यानी लग्नेश और पंचम भाव के स्वामी की युति होगी, तो जब पंचम भाव के स्वामी या लग्न भाव के स्वामी की दशा अंतरदशा आएगी तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, राजयोग के समान रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि राजयोग ये होता भी है। अब फल, तो देखिए फल के लिए आपको देखना होगा उच्च ग्रही स्वग्रही मित्र राशि में जब भी ये युति होती तो अच्छे परिणाम लेकर आती है, लेकिन ये युति केंद्र में या त्रिकोण में होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि लाभ भाव में अगर हो जाती है तब भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट तो आपको देखने को तब मिलेंगे जब ये युति आपके त्रिकोण भाव में यानी पंचम या नवम में कहीं पर हो जाए, इसके बाद दूसरे नंबर पर आपका केंद्र में हो जाए, तीसरे नंबर पर आपका जो रिजल्ट मिलेंगे वो मिलेंगे आपको लाभ भाव में। इसके बाद यदि मान लीजिए छठवें भाव में आपका युति हो या फिर अष्टम भाव में हो, बारहवें भाव में हो या तृतीय भाव में हो, तो इन भाव में जब युति होती है तो ये देखिए युति तो अच्छी है आपकी, राजयोग का निर्माण हो रहा है, लेकिन ये युति गलत भावों में होने के कारण परिणामों में कमी आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाती है। ठीक है, या मध्यम फल रिजल्ट देखने को मिलेंगे या फिर देखने को नहीं मिलेंगे। कई बार ऐसा हो सकता है कि राजयोग के निर्माण होने के बावजूद भी उनका परिणाम आपको देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि लग्नेश का 6-8 बार में जाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन यदि मान लीजिए उनके स्वयं की राशि में यदि लग्नेश बैठा हुआ है तब बात अलग हो जाएगी, तब आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन श्रेष्ठ रिजल्ट तो आपको त्रिकोण भाव में और केंद्र भाव में देखने को मिलेंगे, और इसके बाद 6-8-12 में यदि बनती है युति तो रिजल्ट में काफ़ी न्यूनता आ जाएगी। अब ठीक उसी प्रकार पंचम भाव के स्वामी यानी पंचमेश और दसवें भाव के स्वामी यानी दशमेश की युति जब कभी भी केंद्र में या त्रिकोण में होगी तो ये राजयोग का निर्माण करने वाली होती है। यहाँ दृष्टि संबंध की बात नहीं हो रही है, युति की बात की जा रही है। ठीक है, अब आप केंद्र में देख लें और त्रिकोण में देख लें, केंद्र भाव या त्रिकोण भाव में युति बन रही है तो श्रेष्ठ रिजल्ट आपको मिलेंगे, लाभ भाव में बन रही है तो थोड़े से कम रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा यदि 6-8-12 में बन रही है तो काफ़ी कम या ना के बराबर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, रिजल्ट तो मिलेंगे क्योंकि ये युति अच्छी मानी गई है, लेकिन काफ़ी कम मात्रा में देखने को मिलेंगे। अब ये निर्भर करेगा यहाँ पर कि लग्नेश की स्थिति क्या है, लग्नेश यदि कमज़ोर पड़ गया या लग्नेश अंशबल में कमज़ोर हुआ तो फिर ना के बराबर प्रभाव देखने को मिलता है। अब ठीक इसी प्रकार यदि पंचम भाव के स्वामी और चतुर्थ भाव के स्वामी की आपस में युति हो जाए केंद्र भाव में या त्रिकोण भाव में, ठीक है, तो ये राजयोग का निर्माण करने वाली होती है, तो अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। जब कभी पंचमेश या फिर चतुर्थेश की महादशा अंतरदशा आएगी तब आपको इससे संबंधित अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यदि केंद्र में या त्रिकोण में होता है तो लाभ ज़्यादा होगा, लाभ भाव में है तो उससे कम लाभ आपको देखने को मिलेगा, 6-8-12 में युति हो रही है तो काफ़ी कम रिजल्ट मिलेंगे या फिर ना के बराबर रिजल्ट भी मिल सकते हैं। लेकिन यदि किसी शुभ ग्रहों से दृष्ट अथवा युति हुआ तो परिणामों में थोड़ी सी शुभता आ सकती है।